नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद एकेडमी द्वारा बहुत विविध तरीके से वीडियोस बनाते जाते हैं और ज्ञान और जो कंसल्टेशन है वो की जाती है, पेड कंसल्टेशन। आप तो जानते हैं कि डॉक्टर देशपांडे के पास बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। उसी के साथ साथ हमारी टीम में अभी एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके हम एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान और एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करने वाले हैं इस चैनल के द्वारा। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इसके जो पहले 7 राशि हैं उसका डिस्कशन मैंने पूरा कर चुका हूँ। ये राशि की जानकारी लेने से आपको फायदा क्या मिल सकता है, आप में कौन से बढ़िया गुण है और आप में कौन से जो प्रॉब्लमेटिक गुण है या प्रॉब्लम्स है वो आप समझ सकेंगे, और उसके द्वारा आप पर्सनैलिटी में सुधार ला के अपनी अपनी जो जीवन है वो यशस्वी और आनंददायी बना सकते हैं। इसी के लिए ये चर्चा मैं हर राशि के बारे में कर रहा हूं। अभी वृश्चिक राशि जब मैं कहता हूं तो हर एक को, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कृपा करके आपके या रिश्तेदारों की या मित्र की, जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिसकी भी वृश्चिक राशि है, तो लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी। सिर्फ लग्न कुंडली देखना है, टाइटल होना चाहिए लग्न कुंडली। उसमें, उस लग्न कुंडली में चंद्र ग्रह के साथ कौन सा अंक है ये आपको देखना है, वही आपकी चंद्र राशि है। मैं हर वीडियो में एक बात कर रहा हूं कि भारतवर्ष की लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जानते नहीं है कि एक चंद्र राशि होती है और दूसरी सूर्य राशि होती है। तो जब भी हम बात करेंगे वैदिक साइंस की, तो हम चंद्र राशि के अनुसार ही भूत, वर्तमान और भविष्य की बात करेंगे। ये ध्यान से सुनिए, एस्ट्रोलॉजर्स जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं जैसे कि अमेरिका और यूरोप में, वो सूर्य राशि की मायने रखकर आगे की बात बोलते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ हमेशा चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी इस व्यक्ति की, कौन सी भी व्यक्ति हो, आपकी खुद की या रिश्तेदार की या मित्र की, वृश्चिक राशि है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपकी लग्न कुंडली में चंद्र के साथ 8वां अंक है, 8 नंबर होना चाहिए। ध्यान में रहे कि चंद्र कौन से भी स्थान में हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे ग्रेट बिलोर्ड प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब है, उनकी पत्रिका मैंने इंटरनेट से निकाली है और उसमें आप देख सकते हैं कि जो 8 नंबर है वो कहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये पहला स्थान, ये देखिए पहला स्थान है। मैं बोल रहा था कि ये कौन सा स्थान है इसका महत्व नहीं। यहाँ पर ये मून जो है ना, यहाँ पर मैं कर्सर लाता हूँ, ये देखिए जरा धीरे से देखिए, मून, MOON, यहाँ सिर्फ एमओ लिखा है। एमओ का मतलब MOON, मून, मून का मतलब चंद्र, चंद्र के साथ नंबर है 8। तो हमारी बिलोर, लोकप्रिय विश्व नेता जो है, पंत प्रधान मोदी साहब की पत्रिका, लग्न पत्रिका में उनकी राशि, चंद्र राशि वृश्चिक हो गई है बिकॉज ऑफ दिस 8 नंबर विद द मून। समझ में गए आगे बात? तो अभी आगे की जो चर्चा होगी सिर्फ मोदी साहब की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये मैं डिस्कशन करने वाला हूं, मोदी साहब का डिस्कशन नहीं चल रहा है, वृश्चिक राशि के हर एक व्यक्ति का ये चर्चा होने वाला है। तो उसमें से कई जो पॉइंट्स हैं, कई जो मुद्दे हैं, वो मोदी साहब को लागू हो सकते हैं, कई मुद्दे लागू नहीं भी हो सकते। ये ध्यान से सुनिए, तो आपकी राशि कौन सी भी हो गई तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 100% पॉइंट्स आपको मिलते जुलते होने चाहिए। तो आप, आपकी खुद की या मित्र की या रिश्तेदार की वृश्चिक राशि है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर आपने बोला था ये बरोबर मैच हो रहा है उस व्यक्ति के साथ। आगे चलते हैं, देखते हैं वृश्चिक राशि, चिन्ह है बिच्छू, जल तत्व वाली ये राशि है क्योंकि पानी में स्थिर स्वभाव है। ध्यान से सुनिए, स्थिर स्वभाव, बहुत स्टेबल है ये लोग। राष्ट्राधिपति, उनका जो कंट्रोलिंग राशि है वो मंगल है। तो मंगल के अपने आप जो गुण होते हैं, मंगल के गुण पित्त दोष के समान होते हैं। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण, फायरी एलिमेंट है मंगल। कैसा है? फायरी, अग्नि उसमें ज्यादा है मंगल में। ये राशि जल तत्व की है, फिर उसका जो अधिपति है, मालिक, वो अग्नि वाला है। ध्यान से सुनिए, तो उसका कंट्रोल सबसे बढ़िया रहेगा, ज्यादा रहेगा। निजी अंग मतलब हमारे शरीर में जो निजी अंग है, गुद है, गुप्तांग है, उसके ऊपर उसका असर ज्यादा हो सकता है। वृश्चिक राशि का अमल उसके ऊपर ज्यादा हो सकता है। नैसर्गिक कुंडली में 8वें स्थान पर यह शोभायमान देता है। उसकी शोभा जब ये वृश्चिक राशि जो है वो 8वें स्थान में होगी तो ज्यादा अच्छा रह सकता है। वृश्चिक राशि किसका प्रतिनिधित्व करती है?
विच इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसका वैशिष्ट्यपूर्ण गुण बताइए एक शब्द में, तो ये गुण है उसके, नया निर्माण और परिवर्तन। जहां जहां भी कौन सी भी क्षेत्र में नया निर्माण होना है, परिवर्तन होना है, तो वहां वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि के स्त्री की, वृश्चिक राशि के पुरुष की बहुत ही जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले लोग नया निर्माण की सोचेंगे। मैं जागतिक लेवल की बात, देश की नहीं बात कर रहा हूं, अपनी अपनी डॉक्टर की हो, इंजीनियरिंग हो, लेबर हो, जहां भी आप काम कर रहे हैं, वहां नया नया निर्माण करना, कुछ चेंजेस लाना, ये आपकी मन की बात होती है। वृश्चिक राशि, बिच्छू के डंक की नोक, आप पिक्चर में ध्यान से देखो कैसी होती है, मेरे थंबनेल में है वो। जब ये वृश्चिक राशि वाले लोग बोलते हैं ना, तो विशेषकर व्यंगात्मक ढंग से, जब सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें बिच्छू का डंक लग रहा है, ऐसी उनकी भाषा बहुत तेज होती है, हाँ व्यंगात्मक होती है। वे अपनी खुद की जो इच्छा होती है वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे करके यदि वृश्चिक राशि का व्यक्ति असभ्य या देहाती है, तो ये अभी पहले वाले जो गुण बताए ना मैंने, वो अवगुण बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति बाय चांस नहीं, मतलब 100% आप तो सुसंस्कृत है, जब वेल कल्चर्ड वृश्चिक राशि होती है, तो इन्हीं गुणों का उनके जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत 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 फायदा मिलता है। मेष राशि की तरह वृश्चिक राशि वाले लोग भी किसी से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन उनमें मेष राशि की तुलना से अधिक सहन शक्ति होती है, वेल टॉलरेंस। कितने भी लोग उसके उसकी उनकी तरफ बुरे बोल दे या उनकी तरफ बुरे कुछ आलोचना कर दे, उनको फर्क नहीं पड़ता। कितना भी क्रिटिसाइज हो जाए, कितने भी निंदक उनके आसपास रह जाए, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं कर पड़ता, क्योंकि वो उनका टॉलरेंस लेवल, सहन शक्ति ज्यादा होती है। वृश्चिक राशि के पुरुष रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कभी भी डरेंगे नहीं, अपना काम धीरे 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 जारी रखेंगे। इस पार या उस पार, ऐसा वृश्चिक राशि का एक विशेष लक्षण है। हाँ जैसे बोलते हैं ना, मरु या लड़ू, लड़ू या मरु, ऐसे कुछ होता है ना, हाँ डू डू और डाई, ऐसा कुछ है उनका नेचर। उन्हें बीच का रास्ता पता नहीं, वो जैसे तुल राशि वाले, आपको मैंने बता दिया था, हमेशा एक्सट्रीम पर नहीं जाते, वो गोल्डन मीन लगाकर तुला राशि के लोग चलते हैं। ये वृश्चिक राशि है, वो एक्सट्रीम पर जाएंगे, उन्हें बीच वाली कोई चीज पसंद नहीं होती, मतलब कौन सी भी चीज उनके उनको तरफ पसंद तो होती है, नहीं तो नापसंद होती, बीच वाला नहीं है, थोड़ी सी पसंद है, ऐसा वृश्चिक राशि नहीं कहता, ये पसंद है और ये नापसंद है, बस दोनों चीजें, बीच वाला कोई गड़बड़ी नहीं है। वो दूसरे के साथ या तो सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, बस थोड़ा सा मैं समय है तू, ऐसा नहीं, एक तो सहमत नहीं तो असहमत। आप उनके आइदर, मतलब उनके मित्र तो हो सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल शत्रु हो सकते हैं। हाँ एक तो मित्रता बना लो, नहीं तो शत्रुता बना लो, वृश्चिक राशि की तरफ से मैं बात कर रहा हूं। अगर उन्होंने आपको, मतलब जो भी व्यक्ति उसको दोस्त मान कह दिया, तो उसके ऊपर वो जान दे देंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें जरा सा भी परेशान किया, तो आपकी कुछ भी खैर नहीं, वो बदला लेंगे ही। बेसिकली वृश्चिक राशि ये सतर्क राशि है, अलर्ट रहते हैं वो हमेशा, उनके बहुत क्या बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस जगा हुआ रहता है। शंकाल प्रवृत्ति के होने के कारण उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहता है, किसी भी विषय के बाहरी स्वरूप पर वो विश्वास नहीं करेंगे, गहराई में जाएंगे और खोज कर पता लगाते हैं कि क्या इस बात में, इस घटना में कुछ सच है और क्या झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है, ये पूरा थान मान लेंगे उसका, कि कैसा ढूंढना है उसके। कई वृश्चिक राशि वालों के पास एक अंतर ज्ञान होता है, भले वो अव्यक्त स्वरूप से हो। वृश्चिक राशि को आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। कुछ लोग परलोक के बारे में भी सोचते रहते हैं, वे अपनी सहज दृढ़ता के कारण अथक परिश्रम करते रहते हैं। कुंडली में 8वें स्थान के मालिक होने के कारण इस संबंध में उनकी अच्छी गति होती है। 8वां स्थान, 8वें स्थान में ट्रस्टी, विश्वस्त, विरासत,
मुर्दागर, रहस्यवाद, मनोवैज्ञानिक उपदेशक, ये सब चीजें वृश्चिक राशि के मतलब बराबर चलती हैं। अभी हम वृश्चिक स्त्री की बात करेंगे। वह कभी भी वृश्चिक राशि की वाली स्त्री जो है अपनी प्रेम भावना को इजहार नहीं करेगी। जैसे ही वह सड़क पर चलती है तो कई लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह अनजाने में अजनबियों से भरी जगह में चली जाती है और सभी का ध्यान खींच लेती है। यदि आप किसी वृश्चिक महिला का प्यार जीतना चाहते हो तो आपको साहसी और ईमानदार होने की बहुत जरूरत है। वृश्चिक राशि की स्त्री उन्हें अपने व्यवहार में जरा सा भी मिथ्या नजर आएगी तो वो कभी भी माफ नहीं करेगी। झूठा प्यार उसको नहीं चलेगा। उसकी भावना तीव्र होती है, वह प्यार में जलती है, जेलस होती है, प्राधिकार प्रबल है, डोमिनेंस करना चाहती है कि मैं प्यार करती हूं। अगर उन्हें गुस्सा जाता है तो खुलकर नहीं दिखाएगी, लेकिन उनकी जलती हुई आंखों की एक झलक या एक भी व्यंग्यात्मक वाक्य देखने वाले को अवाक कर देता है। अरे कैसा बोल दिया इसने, ऐसा बोल देगी वो। वृश्चिक महिला में अंतर्ज्ञान होता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से ही उसको हो जाती है और यह उसके चमकती आंखों में भी झलकती दिखती है। वृश्चिक स्त्री एक आदर्श माँ है, एक आदर्श गृहिणी है। वृश्चिक स्त्री बस इतना जानती है कि कितना हो सके घर और बच्चों को प्यार करते रहना, बस। वृश्चिक महिला की तरह वृश्चिक पुरुष की हम बात करेंगे। पुरुष भी, वृश्चिक पुरुष भावुक, इमोशनल और बेहद अकेले होते हैं। उनको अकेलापन अच्छा लगता है। उसकी आंखें, उसके कपड़े, उसका विशेष आकर्षण सभी रहस्यमय है, लेकिन उसमें ऐसा आकर्षण है वृश्चिक पुरुष में कि आप बच नहीं सकते, अट्रैक्ट हो जाते हैं। डायनेमिक पर्सनैलिटी होती है। वृश्चिक राशि का व्यक्ति कई कलाओं को जानता है, जैसे कि संगीत है, पेंटिंग है, लेखन है, अभिनय, ज्योतिष। लेकिन वृश्चिक पुरुष जो है ये सब चीजें जो है, सब कला जो है, केवल शौक के रूप में उपयोग करता है। वह इसके लिए भुगतान नहीं लेना चाहता। वृश्चिक पुरुष को खेल पसंद है, खास तौर पर आउटडोर गेम्स उन्हें पसंद होता है। वृश्चिक राशि की नौकरी और बिजनेस की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जासूस, गुप्तचर हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं, टीचर, लीडर एंड गाइड। अपना काम पूरी लगन से करना यह वृश्चिक राशि का धर्म है। वित्तीय स्थिति, इकोनॉमिकल स्टेटस, वृश्चिक राशि के लोग दूसरों लोगों के पैसे को अपनी विलासिता के लिए इस्तेमाल करने में चतुर होते हैं, लेकिन उतने ही परोपकारी भी होते हैं। वृश्चिक राशि गुप्त रूप से वास्तविक जरूरतमंदों को मदद करने में आगे रहते हैं। शारीरिक हालत, वृश्चिक राशि की आंखें आदेश दे रही है ऐसा कई बार प्रतीत होता है। देयर आईज ओनली, दे कैन ऑर्डर यू टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग्स। भावनाएं मुखर है। शारीरिक संरचना अच्छी होती है, आवाज धीमी और दबी हुई है। वृश्चिक राश अदम्य इच्छा शक्ति के साथ अथक परिश्रम करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द वृश्चिक राश। तो आपको किसी को भी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी में पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर। कृपा करके ये सब वीडियोस आप लाइक शेयर करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन द आयुर्वेद एकेडमी चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू।